चंद पैसों के लिए गुलाम रखने का रिवाज आज भी किसी और अंदाज में मौजूद है, जिसमें देहात और कस्बात के कमसिन बच्चे घरेलू कामकाज के लिए वालदैन को मुआवजा दे लेकर शहरों में लाए जाते हैं और फिर उनके साथ गुलामों जैसा सलूक किया जाता है। ऐसा ही उकाड़ा की 10 साल की इरम के साथ हुआ, जो लाहौर के इलाके अस्करी 9 के एक घर में 2500 रुपए महाना का वादा करके मुलाजमा रखी गई, लेकिन ये कमसुन बच्ची मालकान के वैशियाना तशद्दुद को बर्दाश्त न कर सकी और दम तोड़ गई। आया हूँ तो बच्ची पहले डेथ हो गया पड़ी थी, तो मुझे कहते हैं भाई उसकी डेथ होगी हमारे साथ मुकमुकिया कर ले। रात के इरम को मुर्दा हालत में सर्विसेज अस्पताल लाया गया। उसके साथ हुआ क्या था सुना तो होश उड़ गए। बच्ची की बॉडी पे बाजुओं पे निशान थे, फेस पे टॉर्चर के निशान थे और भी मतलब टांगों पे और बटक्स पे भी उसकी टॉर्चर के निशान थे बच्ची के। तो बाकी हमारे पास जब ये तो रिसीव डेड थी और हम उसके लिए कुछ ज्यादा कर नहीं सकते थे। जुल्म की इंतहा हो गई, मगर मजलूम के लिए इतना ही काफी नहीं। इरम के एक अजीज ने मकान मालिक और उसके बेटे को पुलिस के हवाले किया और थाने तक गया, मगर मामला ही कुछ और निकला। पुलिस ने अपना मौकफ ही बदल डाला। किसी को हिरासत में लिया? अभी तो कोई दिखा नहीं। उसकी फुटेज हमारे पास मौजूद है। चलो मेरे पास, मुझे तो कोई मालूम नहीं। थाने में कौन सी खिचड़ी पक रही है अल्लाह जाने, लेकिन अवामी मुहाफजों के रवैये ने मकतूला के अजीजों को इस सोच में डाल दिया है कि क्या इंसाफ उनका हक नहीं। कैमरामैन अली रजा के साथ उमर याकूब, दुनिया न्यूज़, लाहौर।